आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से पूछताछ की है। लगभग 4 से 4.5 घंटे ये पूछताछ चली है। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और विभव कुमार को समन किया है। एनसीडब्ल्यू ने केजरीवाल के पीए को कल तलब किया है। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से 4 से 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब बाहर निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके घर पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए। बीजेपी ने पूछा कि महिला अत्याचार के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन चुप क्यों है। महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं, और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल कहाँ है और वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पेश होने के लिए तलब किया गया। एनसीडब्ल्यू ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव, उनको कल पेश होने के लिए बुलाया है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्वाति मालीवाल कहाँ हैं और वो क्यों सामने नहीं आ रही हैं। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो आपस में इस मुद्दे पर फैसला लेंगे कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। Z News.